कश्मीर में शिकस्त खाकर भारत ने सारे अखलाकी जाब्तों से बेनियाज होकर 6 सितंबर सन 65 की सुबह को अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमले का निशाना लाहौर को बनाया गया है। इसी लम्हे सदर मुमलिकत और सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान अवाम के नाम पैगाम नशर करते हैं। I am speaking to you tonight under the threat of war in Kashmir, which is being forced on us by India. सदर मोहतरम कहते हैं, पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम के लिए आजमाइश का वक्त आ गया है। आज सुबह हिंदुस्तानी फौज ने लाहौर पर हमला कर दिया है। दुनिया जानती है कि सन 1965 में होने वाली पाक भारत जंग में दोनों मुल्कों का भारी माली और जानी नुकसान हुआ। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सन 1965 की जंग के दौरान एक साजिश ऐसी भी हुई थी जिसके असरात 6 साल बाद 1971 सुकूत ढाका में रूनुमा हुए। कहा जाता है कि 1965 में जब पाक भारत जंग जोरों पे थी, ठीक उसी वक्त मशरकी पाकिस्तान की सियासी जमात अवामी लीग के नए सरबराह मुजीबुर रहमान अपने साथियों समेत भारतीय हुक्काम से मिलने अगरतला गए और मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की खुफिया मंसूबाबंदी की गई। अगरतला मशरकी पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर भारतीय रियासत त्रिपुरा में वाक़े है। जंगबंदी के 2 साल बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस मुलाकात के बारे में अहम इंकशाफात किए और अपनी तफसीली रिपोर्ट पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत को पेश कर दी। 1000 से जायद मशकूक अफराद से मजीद तफ्तीश करने के बाद हुकूमत वक्त ने इस केस को आगे बढ़ाने का उसूली फैसला कर लिया। ये केस इस कदर संगीन नौयत का होता जा रहा था कि हुकूमत को बाजाब्ता तौर पर केस फाइल करने में तकरीबन 1 साल का अरसा लग गया। इस केस में मशरकी पाकिस्तान की सियासी शख्सियात, सिविल अफसरान, फजाइया, बहरिया और बर्री फौज के अफसरान शामिल थे। अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान, जो पहले ही अपने 6 नुकात की वजह से पुलिस की हिरासत में थे, उन्हें 18 जनवरी 1968 को अगरतला साजिश केस का मरकजी मुलजिम नामजद करके मजीद 35 अफराद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और मार्शल लॉ एक्ट के तहत ढाका कैंटोनमेंट भेज दिया गया। अगरतला कंस्पिरेसी एक लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त इल्जाम था, लेकिन जिस वक्त ये केस को फाइल किया गया और जिस अंदाज में इसको परस्यू किया गया, जिस वक्त परस्यू किया गया, आम तौर पर तासुर ये बना कि ये एक नकली केस है जो मशरकी पाकिस्तान के अवाम की मकबूलियत जो उन्होंने दी है लीडर्स को, उसे ख़त्म करने के लिए एक जाली केस बनाया गया है। 19 जून 1968 अगरतला साजिश केस की समाअत शुरू हुई। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि 22 फरवरी 1969 उस वक्त के सदर अयूब खान ने अचानक बगैर किसी ठोस वजाहत के अगरतला साजिश केस वापस ले लिया। शेख मुजीबुर रहमान समेत तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। कहा जाता है कि अगरतला साजिश केस के खिलाफ मुल्क भर में किए गए मुजाहरों के प्रेशर में आकर अयूब खान ने केस वापस ले लिया था। लेकिन अयूब खान के केस वापस लेने की असल वजह क्या थी, इस पर कोई हतमी बयान नहीं दिया जा सकता। कई साल बाद बांग्लादेश के पार्लियामेंट में उठकर एक शख्स ने तस्लीम किया कि यह दुरुस्त था कि उस वक्त हम गए थे अगरतला और अगरतला में हमने खुफिया तौर पर इंडिया के कुछ अफसरान से मुलाकातें की। 40 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान के करीबी साथी और अगरतला साजिश केस में नामजद कर्नल रिटायर्ड शौकत अली, डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट ने बांग्लादेश की असेंबली में
पूरी दुनिया के सामने एतराफ किया। अगरतला साजिश केस में जो भी इल्जाम लगाए गए वो झूठ नहीं थे। आज बांग्लादेश के शहर ढाका में शेख मुजीब अगरतला मेमोरियल म्यूजियम वाक़े है। इस म्यूजियम को बांग्लादेश हुकूमत की तरफ से अगरतला साजिश केस की यादगार के तौर पर कायम किया गया है। इस म्यूजियम में शेख मुजीब रहमान समेत उन 35 अफराद की तस्वीर लगाई गई हैं जिन्हें अगरतला साजिश केस में मरकजी मुलजिम करार देकर मुकदमा चलाया गया था। यूं तो पाकिस्तान की तारीख हैरत अंगेज वाकयात से भरी पड़ी है, लेकिन सन 1970 को एक अलग ही हैसियत हासिल है। ये वो साल माना जाता है जिसमें पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की बुनियाद रखी गई। 23 साल में पहली बार पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे थे। मुल्क भर में इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। इस मुल्क में पहली मरतबा सेहतमंद रवायात के रिवाज की कोशिशों से जमहूरियत दोस्त अनासिर की हौसला अफजाई हो रही है, जबकि रियासत और हुकूमत के दरमियान तमीज की शक्ल पैदा हो रही है। जहां हम पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात का जश्न मनाते हैं, वहीं ये बात भी याद रखनी जरूरी है कि ये आम इंतखाबात किसी सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या वजीर के नहीं, बल्कि उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान के मरहूने मिन्नत मुनक्किद हो रहे थे। मैं कहता हूं कि 1947 से 1970 तक जितने भी लोग पाकिस्तान में आए, दे वर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराया। इलेक्शन कराते तो बंगाली जीत जाते। एक फौज के जनरल ने पहली बार इलेक्शन कराया, पहली बार। पहली हुकूमत थी जिसने वन पर्सन वन वोट का उसूल माना कि हर शख्स जो बालिग है, 21 साल का है, उसे वोट डालने का हक, जिसका ऑटोमेटिकली मतलब ये बनता कि अक्सरियत का राज होगा। आई हैव लेफ्ट दिस डिसीजन टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट बॉडी। ही हैज कम आउट हियर टू assess the situation of the cyclone affected areas, whether those elections could be held on the 7th or could be delayed by a few weeks. But as far as the rest of the country is concerned, I have no doubt in my mind, elections will be held. 12 नवंबर को एक बहुत बड़ा तूफान आया था। वहाँ पर लाखों लोग मर गए, लाखों मवेशी, बड़ी बुरी हालत हो गई। उसके बाद ये था कि ये सोचा गया के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस अवामी लीग ने कहा कि नो, इलेक्शन का मुलतवी नहीं कर सकते। यानी कि वो इतने ग्रिप थी उनकी कि वो नहीं चाहते थे कि इसको डिले किया जाए। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया।
جبکہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن اپنا انتخاب 6 نکاتی ایجنڈے پر لڑ رہے تھے۔ مجیب الرحمن کے ان 6 پوائنٹس کو اگر مختصراً بیان کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ الگ کرنسی، ٹیکس کا نظام، علیحدہ ملٹری اور بیرون ملک تجارت کے اختیار کے ساتھ مشرقی پاکستان کو صوبائی خود مختاری دے دی جائے۔ مغربی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات کو لے کر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ یہ 6 نکات شیخ مجیب الرحمن کے نہیں بلکہ اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1966 میں شیخ مجیب الرحمن نے اپنے 6 نکات پیش کیے تو انہیں 8 مئی 1966 کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان لایا گیا۔ I think, and I personally think that most of the world believes this, they may not be willing to say it out openly, that Pakistan as it existed can never be the same again. لیکن بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ مجیب الرحمن کے یہ 6 نکات مکمل طور پر بھارتی سازش قرار دے دیے جائیں، کیونکہ اگر غور سے پڑھیں اور سمجھے جائیں تو یہ 6 نکات اتنے ناقابل قبول بھی نہیں تھے کہ ان کی وجہ سے ملک ٹوٹ جائے۔ ان اوقات میں یہ سمجھا گیا کہ یہ تو بھائی بہت ریڈیکل ہے اور یہ تو ختم کر دے گا وفاق کو، لیکن یہ بڑی فار سائٹڈ بھی تھی، اور آئرونکلی اس میں کچھ ایسے حصے تھے جو 1940 کی قرارداد سے بڑے قریب تھے، کیونکہ 1940 کا جو قرارداد تھی اس میں تصور تھا کہ ایک ریاست نہیں ہوگی، مختلف زونز ہوں گے اور وہ خود مختار ہوں گے۔ 1946 میں جا کر اس قرارداد میں ترمیم کر کر ایک ریاست کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس وقت قائد اعظم نے کہا نہیں، یہ ہمارا مسٹیک تھا، اس وقت ہم نے پلورل رکھا تھا۔ I want the 70 million people of my Bangladesh should be emancipated. ایک بھی ویسٹ پاکستانی وہاں پر کمپین کرتا ہوا یا انٹرسٹڈ دکھائی نہیں دیا۔ 162 سیٹ تھی وہاں، لوگ تو کیسے کمپین کی تھی اور دھکے مار دیے؟ نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بات، اب ان کے لیے وہاں پہ وہ ریڈ کارپٹ تھوڑا بچھاتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو جس کی پارٹی ہوگی، طاقت میں ہوگا، وہ کر لے گا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے 162 میں سے 160 نشستیں جیت کر میدان مار لیا تھا، اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی 81 نشستیں جیت کر نمایاں رہی تھی۔ تو جب یہ الیکشن وغیرہ ہو رہے تھے اور جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو ہمیں شاک ہوا اس چیز کا، کیونکہ اس علاقے میں جماعت اسلامی کا بڑا زور تھا، وہاں پہ ان علاقوں میں باشانی صاحب کی تھی، وہ بڑی پارٹی زور میں تھی، ان لوگوں کا کوئی وجود نہیں تھا، ختم ہو گئے۔ جس ملک میں 23 سال میں پہلی بار عام انتخابات ہونے جا رہے تھے، وہاں ووٹر ٹرن آؤٹ تو تاریخی طور پر سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن مایوس کن بات یہ تھی کہ مغربی پاکستان میں 46% اور مشرقی پاکستان میں 43% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ 1970 میں بنسبت پنجاب کے، سندھ کے، مشرقی پاکستان کے ووٹر کی تعداد کم تھی، زیادہ لوگ پنجاب اور سندھ میں باہر آئے ووٹ ڈالنے، اور کم لوگ آئے مشرقی پاکستان۔ ایک تو یہ، پھر 11% لوگ مشرقی پاکستان کے انہوں نے عوامی لیگ کے خلاف ووٹ دیا، تو بنا حساب کیا کہ 51% سے زیادہ پرسنٹ اس پاکستانی ووٹر نے عوامی لیگ کے لیے ووٹ نہیں ڈالا یا ووٹ خلاف ڈالا۔ لیکن اس کے باوجود 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ کو مل گئیں۔ بحیثیت صدر پاکستان، یحییٰ خان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انتخابات کے بعد 100 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، جس میں جیتنے والی جماعت کو اپنی حکومت بنانے کا بھرپور موقع دیا جائے۔ انتخابات کے نتائج کو کئی روز گزر چکے تھے،
लेकिन याहिया खान की तरफ से कौमी असेंबली के इजलास की तारीख नहीं दी गई। अलबत्ता हैरान कुन बात यह है कि 1 जनवरी 1971 के बाद एक के बाद एक जनरल याहिया खान की जानिब से बहुत गलत फैसले करना शुरू किया। कुछ हद तक वो गलत फैसलों पर असर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी की वजह थी कि उनका ये फैसला कि असेंबली के इजलास से पहले हमें एक मुआहदा करना चाहिए अवामी लीग के साथ, हम सिर्फ एक माइनॉरिटी पार्टी के तौर पर नहीं जाएंगे, उसकी वजह से याहिया खान ने अपने हरकतों में और अपने फैसलों में कुछ नया रुझान दिखाया। दरअसल याहिया खान पर सियासी दबाव था कि वो इजलास से पहले किसी तरह शेख मुजीब रहमान को उनके 6 नुकात में नरमी लाने के लिए आमादा करते, क्योंकि अगर इजलास हो जाता तो मुजीब रहमान बगैर किसी पॉलिटिकल प्रेशर के वाज़े अक्सरियत से 6 नुकात पर मबनी आईने पाकिस्तान की तश्कील कर देते। नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड कैन बी पास्ड विदाउट द हेड ऑफ स्टेट ऑथेंटिकेटिंग इट। इट्स नथिंग न्यू। But these people are claiming that this is simply the imposition of one man's will over the will of a majority of people elected by the people. Well, the country is being run by one man's will, martial law on the land. And unless they make the constitution, I'll pass the sovereignty to them. Until then, one man's will is there. That's true. जहाँ पर मैं मजम्मत करता हूँ जनरल याहिया खान की जिस अंदाज में उन्होंने मुलतवी किया, उसी वक्त मैं उतनी ही मजम्मत करूँगा जिस अंदाज में शेख मुजीब ने रिएक्ट किया। उनको चाहिए था कि उस वक्त सब्र और तहम्मुल दिखाते, एहसास करते कि भाई इस वक्त कितना नाजुक मरहला है, मुझे और सब्र दिखाना चाहिए क्योंकि मेरे 160 मेंबरान कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने बल्कि उनसे अहद भी करवाया कि 6 नुकात और कोई हम मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने भी बहुत जल्दबाजी दिखाई, बहुत गुस्से का इजहार, और हर रोज़ एक जारी किया करते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आज रेल नहीं चलेगी, आज फलाना टैक्स नहीं अदा किया जाएगा, आज पावर हाउस नहीं स्विच ऑन किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो लिटरली एक डिफैक्टो वो एक अपनी हकूमत बनाना चाहते थे। And I have started for Satyagraha and non-cooperation movement against them. And I am sure my people will not pay tax. I am sure the people will not join in the government. I am sure the people are absolutely behind me and my party. Won't that make President Yahya Khan take military action against you? Either it is up to him. I don't care. Assembly call korechen. Amar dabi mante hobe prothom. সামরিক আইন মাশাআল্লাহ উদ্ধ করতে হবে, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত দিতে হবে। মুজিব কে অর্ডার দিতে থে আর্মি কা পানি বন্ধ, আর্মি কা রেশন বন্ধ, আর সব কুছ করকে চারোন তরফ সে করকে ইন্তজার কর রহে থে 7 তারিখ কা, কি 7 তারিখ কো মুজিব নে জলসা করনা হ্যায়। 6 की शाम को ऐसे था मार्च को जैसे यकीन था कि सुबह ऐलान होने वाला है इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश का। জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। 7 मार्च को हेडक्वार्टर्स में पता चला कि मुजीबुर रहमान ने आजादी का ऐलान करना है बांग्लादेश। आर्मी हेडक्वार्टर से एक ब्रिगेडियर साहब को भेजा गया टू टेल हिम नॉट टू डू सो। मुजीब साहब को जाके कान में कहा कि भाई ये मत कहना और मत डिक्लेयर करना वरना हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। एंड थैंक गॉड मुजीब हैड द सेंस एट दैट टाइम। তারপরে বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসার আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। रात को लोग आने शुरू हो गए थे, सुबह को 15 लाख का मजमा था, जहां तक नजर जाती थी लोग थे। अमर देश तुम्हार देश, बांग्लादेश बांग्लादेश, अमर देश तुम्हार देश, बांग्लादेश बांग्लादेश,
जब वो फाइनली वक्त आया इजलास को बुलाने का, 1 मार्च को जो सुनाया गया फैसला, याह्या खान साहब ने ये भी जहमत नहीं की कि खुद आकर टीवी पे या रेडियो पे अपनी आवाज में करते। उन्होंने किसी एक न्यूज़ कास्टर से कहा, आप ये ऐलान पढ़कर सुना दें, और वो भी मुख्तसर सा। इतना भारी फैसला अगर याह्या खान उस वक्त खुद आकर समझाते पब्लिक को कि जी कुछ ऐसे प्रेशर्स आ गए हैं कि मैं नहीं समझता कि ये मशरकी पाकिस्तान के भी मफाद में होगा, वो 3 मार्च को आप ज़रा मुझे वक्त दे दें, 2 हफ्ते दे दें, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता। एक बड़े इम्पर्सनल अंदाज में एक आदमी ने आके पढ़ दिया जी कि इट्स पोस्टपोन, बगैर नई तारीख दिए। तो ऑब्वियसली इतना टेम्पो बढ़ चुका था तवक्कुआत का कि वो भड़ास निकली तशद्दुद में, और इतने हज़ारों बेचारे मासूम मगरबी पाकिस्तानी उर्दू बोलने वालों को हलाक किया गया, बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, और ऐसी नफरत फैली है उस 3 हफ्तों में कि वो अवामी लीग खुद नहीं कंट्रोल कर पा रही है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे अनासर जो सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे इंडिया से, उन्होंने आकर और भड़काया। मेरे वाले साहब, उनका नाम मोहम्मद जफर सिद्दीकी था और वो PIA में थे, लेकिन पुराने थे, यानी कि जब ओरिएंट एयरवेज थी, यानी PIA का नाम जो है ना ओरिएंट एयरवेज था, उस वक्त से था। वो जो अकाउंट्स को देखते थे और सिलेक्ट के वो थे, स्टेशन के इंचार्ज थे। एक नॉर्मल सा दिन था, संडे था, और अब्बा जो हैं उनको एक अनयूजुअल सी बात थी कि अब्बा को ऑफिस बुलाया गया था कि कुछ आपको साइन वाइन आपसे करवाने तो आ जाएं। किसी ने आके अम्मी को बताया कि शहर में हंगामे हो रहे हैं और कहाँ हैं जफ़र साहब, कहाँ हैं। तो अम्मी ने कहा वो तो इस तरह से ऑफिस बुलाया गया है उनको। बस इसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर शोर हुआ, बहुत शोर होना शुरू हो गया। तो बस मुझे इतना याद है कि अब्बा खिड़की से देखा ड्राइंग रूम की, तो सामने गली नज़र आती थी कि अब्बा आ रहे हैं, और पीछे एक मॉब था। आते ही उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, एक दरवाज़ा बंद किया, फिर हमें एक कमरे में लेके हम सारे एक जगह पे हो गए। तो उस वक्त हम 6 बहन भाई, मेरे वालिद, वालदा और मेरी दादी जो कि हमारे साथ रहती थी। मेरे जो 4 छोटे बहन भाई थे उनको बाथरूम में लॉक किया, और मुझे और मेरे बड़े भाई को, उन्होंने बराबर में एक फैमिली रहती थी हिंदुओं की, उनके यहाँ ऐसे जैसे दीवार, छोटी दीवार वहाँ थी घरों के साथ साथ, बिल्कुल छोटी दीवारें थी। तो अब्बा ने वहाँ हम दोनों को ऐसे कर दिया ना, उनके घर में कर दिया। तो दरवाज़ा पूरा बंद नहीं हुआ, जैसे एक चौक दोनों दरवाज़ों के बीच में गैप आ गया। उन्होंने उसी के वहाँ से वो निकाला अपनी उसकी बंदूक, और मेरे वाले साहब को तो वहीं पर ही उसी से शूट कर दिया, यानी उनके यहाँ पे कोई कमर के पास गोली लगी और वो वहीं पर ही गिरे। उसके बाद वो सारा मॉब अंदर आ गया। वालदा जो है आगे की तरफ भड़ी, या मेरे वाले साहब को बचाने के लिए क्या, उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर ऐसे किया, यानी जितना मुझे याद है, यानी वो तो उन्होंने वहीं से उनको शूट किया, और उनको कहीं सीने पे लगी या कहीं गोली लगी, एंड शी आल्सो फेल। तो उन्होंने मेरी दादी को किया, हिट किया, तो मेरी दादी सर उनका नीचे था, तो उनके सर के ऊपर गोली लगी। और हमारा एक सर्वेंट था जो कि गोरा था, यानी कि वो कोई इसको देख के ये नहीं कह सकता कि वो बंगाली है, तो वो भी बेचारा इस उसमें मारा गया कि जब मॉब अंदर आया तो वो उसको जो है ना, वो उन्होंने वो नहीं किया कि भाई इसको मौका देते, उन्होंने स्ट्रेट अवे। जब हम लोग 1 घंटे के बाद वापस घर आए तो मेरे माँ बाप कमरे में खून में लथपथ पड़े हुए थे, और मेरी माँ जो है वो नहीं थी जिंदा, और मेरे जो वालिद थे वो जिंदा थे, वो शाम तक मतलब वो रहे जिंदा, और वो हम बहन भाइयों से कहते कहते रहे कि देखो बेटा निकल के बाहर, कोई अगर हो तो कोई रेस्क्यू टीम वीम हो, तो कोई गाड़ी जा रही हो, किसी को रोको। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। हम लोग के घर के सामने चलें, ये तो मेरे रेलिवेंट सी बातें, कोई और बात पूछ लें। अच्छा, फिर रात को ये लोग दोबारा आए घर को लूटने के लिए, ये जो मॉब था बंगालीज, रात को दोबारा आए। उस वक्त उन्होंने क्या किया कि किचन से भी सारी चीज़ें, एवरीथिंग, दे टुक एवरीथिंग।
घर में खाने का कुछ भी ऐसा नहीं था। मेरी छोटी बहन जो थी वो 1.5-2 साल की थी, तो वो खैर वो रात भी हमने एक कमरे में, एक जो दादी थी हमारी वो हमें एक कमरे में ले गई, वहाँ उन्होंने हमको बच्चों को लेके वो रही। मगर अल्लाह ने उन्हें बड़ी हिम्मत दी थी, थोड़े से पैसे घर में थे, वो उन्होंने किसी तरह से अपने पास वो किए कि भाई बच्चों का साथ है, पता नहीं क्या होगा। जस्ट इमेजिन के देर वॉज अ रूम मे बी 12x14 फीट टाइप इतनी स्पेस, उसमें 3 डेड बॉडीज और मेरी दादी जो इनको गोली लगी हुई है, और हम 6 बहन भाई, और हमने कुछ नहीं खाया हुआ है पूरे दिन का। सुबह सुबह लोग आने शुरू हो गए देखने के लिए ना कि क्या हुआ है इस घर में। जो हमारे नेबर्स थे वो आ गए, और उन्होंने फिर मुझे ये याद है कि मेरा बड़ा भाई नहीं, मुझे लेके गए और उन्होंने दिखाया कि भाई ये आपके वालदा हैं और ये आपके वालिद हैं। मतलब एक मतलब घर के एंड में जहाँ पे सारे घर ख़त्म हो रहे थे लेन, वहीं पर उन्होंने दफना दिया उनको। पता नहीं कैसे लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, क्या था मेरे वालदैन ने क्या किया था, उन्होंने क्या कसूर किया था। आम से लोग थे हम, मिडिल क्लास लोग थे, आम से लोग थे, आम तरीके से रहते थे, तो हमें उन्हें किया क्या था, किसका क्या हक मार लिया था, कोई ज़मीनें ले ली थी, क्या कर दिया था। मुझे बस ये होता है कि मेरे माँ बाप ने किया क्या था जो उनको मारा है। ठीक है, ये वक्त गुजर गया लेकिन महरूमी तो हम लोगों ने झेली ना। यकुम मार्च से 25 मार्च के दौरान होने वाले फसादात की खबरें मगरबी पाकिस्तान की प्रेस और मीडिया ने जानबूझकर शाया नहीं की, जिसके बारे में कुतुबुद्दीन अजीज साहब अपनी किताब ब्लड एंड टीयर्स में लिखते हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से पूछने पर मालूम हुआ कि मगरबी पाकिस्तान में मुकीम बंगालियों की जानों की खातिर मगरबी पाकिस्तानियों पर तशद्दुद की खबरों को शाया नहीं किया गया। पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम है कि पाकिस्तान की फौज ने मासूम बंगालियों को हलाक किया, रेप किया औरतों को। इट्स अ टेरेबल नेगेटिव इमेज। यहाँ तक के जो बहुत ही अफसोसनाक लफ्ज़ है, शर्मनाक, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है कि जहाँ पूरी एक कौम को ख़त्म करने के लिए ऐसी हरकतें करें। एक तरफ वो, और दूसरी तरफ हकीकत ये कि 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक एक मुकम्मल खामोशी सारी दुनिया में और लाइल्मी, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद नहीं उसकी पब्लिसिटी। एक तरफ वो बड़ी खुशनीयती का इजहार है कि देखिए इंतखामी ये नहीं एक रवैया था, वो फिर भी नहीं चाहते थे कि किसी मासूम बंगाली की जान जाए मगरबी पाकिस्तान में। ये ज़बरदस्त एक बड़ी मुस्बित बात है, पाकिस्तान की क़यादत को उस वक्त हमें दाद देनी चाहिए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उस लाइल्मी की वजह से पूरी जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान पर पड़ गई। दे प्लेस्ड एम्बार्गो ऑन शिफ्टिंग बॉडीज ऑफ पीपल किल्ड बाय बंगालीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट पाकिस्तान। ऑल द बॉडीज वर बरीड देयर इन ईस्ट पाकिस्तान एंड देयर वाज अ बैन ऑन टेकिंग एनी बॉडी टू वेस्ट पाकिस्तान। So people in West Pakistan never found out how many West Pakistanis were killed by East Pakistanis. I had some Bihari relatives, my cousin's wife was Bihari, and 27 members of one family were killed by Bengalis in Chittagong. It was a sad affair and atrocities were committed on both sides. मशरकी पाकिस्तान में आम शहरियों पर हुए मजालिम के हवाले से बंगाली राइटर कुतुबुद्दीन अजीज साहब अपनी किताब ब्लड एंड टीयर्स में लिखते हैं, मार्च के महीने में होने वाली खाना जंगी के दौरान अवामी लीग के अस्करियत पसंदों ने 1,00,000 से 5,00,000 मगरबी पाकिस्तानियों, बिहारियों और प्रो पाकिस्तानी बंगालियों का कत्लेआम किया। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुलरहमान सैयद था, बेसिकली वो जर्नलिस्ट थे और रेजिडेंट एडिटर थे मॉर्निंग न्यूज़पेपर। 23 मार्च को जबकि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन डे था, जिस दिन उस दिन सुबह को मेरे वालिद साहब वहाँ से निकले चिटगांग से।
ट्रेन का नाम था ग्रीन एरो, उस ज़माने में बहुत अच्छी ट्रेन थी, सुबह 9-10 बजे चलती थी, शाम 4-5 बजे तक उसको ढाका पहुंचना था। हालांकि पूरे घर वाले सब अजीज रिश्तेदार सारे मना करते रहे कि भाई ना जाएं आप, लेकिन वो नहीं माने, वो कहते नहीं ये हर चीज़ ठीक हो जाएगा। वो हमेशा से पीस लविंग थे, सब लोगों को समझाते थे, तो ऑलरेडी वो किताब लिख रहे थे मोंगा बंधु पे, और उनका ड्यू था एक इंटरव्यू, तो कहने लगे कि मैं दोनों काम कर लूँगा, शेख मुजीब से भी मुलाकात हो जाएगी और ये सारी बातचीत हो जाएगी। तो वो चले गए। अब वो ट्रेन जो थी वो ढाका पहुँचने से पहले एक जगह है उसका नाम है भैरव बाज़ार, भैरव बाज़ार पे आके वो ट्रेन रुक गई और वो ट्रेन कभी आगे नहीं गई, यानी ढाका नहीं पहुँची। उसके बाद से लेकर के आप समझे कि मार्च से लेकर के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7-8 महीने तक हमें कोई इत्तला नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि हम फिज़िकली तो जा नहीं सकते थे, रास्ते कट गए, रोडें बंद हो गई, ब्रिजेस सारे उड़ गए, तकरीबन सब चीज़ ख़त्म होनी शुरू हो गई। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग फिर वहीं से इस पाकिस्तान से निकल करके वाया बर्मा हम लोग पाकिस्तान पहुँच गए। मुझे कोई 35 साल लगे उसके बाद ढूंढने में। मैंने बड़ा अपना होमवर्क करता रहा पाकिस्तान में रहते हुए, फिर एक दिन मैं यहाँ से कराची से फ्लाई करके मैं ढाका पहुँचा, तो वहाँ रात गुजार करके अगले दिन सुबह सुबह मैं भैरव बाज़ार की तरफ रवाना हुआ। भैरव बाज़ार पहुँच करके वो जो ट्रेन का जो मास्टर था, जो स्टेशन का मास्टर था, उसको मैंने ढूँढा, क्योंकि वो मुकामी था वहाँ का, उसका भी मैंने कुछ निकाला हुआ था कि कहाँ रहता है। मैं उसके घर पहुँचा, उसको बताया कि मैं आया हूँ पाकिस्तान से, और ये उसने काफ़ी मेरी हेल्प की, मुझे ले गया वहाँ पे जहाँ पे एक इस्फ़ाहानी टी कंपनी का एक वेयर हाउस था। उसने बताया कि यहाँ जब ट्रेन आके रुकी तो यहाँ से इन सब लोगों को, नॉन बंगाली जितने थे, सबको उतार लिया गया, उतार करके इस वेयर हाउस के अंदर उन्होंने बंद किया और वहीं कैप्टिव रहे ये लोग। तकरीबन ये बात है 23 तारीख की शाम से ले करके 13 तारीख की रात तक, 13 अप्रैल की रात तक ये लोग यहीं रहे। 14 की सुबह इनको निकाला गया, निकाल करके दोबारा उसी ट्रेन पे लोड किया गया। उसी ट्रेन पे लोड करके ये पता चला कि पाकिस्तान आर्मी आ रही है भैरव की तरफ, और बरहमबाड़ी एक जगह है इससे पीछे जो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के पास है, तो उस पर इन्होंने बिठा करके इनको ले गए। ट्रेन गई पीछे तक, थोड़ा रिवर्स ले गए, तकरीबन मेरे ख्याल 10-15 किलोमीटर पीछे ले के गई। वहाँ ये बहरमबाड़िया का ब्रिज है जिसको हमारे बाद में ऑफिसर कहते हैं खूनी ब्रिज, हमारे यहाँ के जिन्होंने सर्व किया हुआ है वो उसको कहते थे। वहाँ उन्होंने ट्रेन पे उस बोगी को ला करके उस ब्रिज के ऊपर खड़ा किया, और जितने 220-230 के करीब लोग थे सबके गले काट करके उधर पानी में फेंक दिया। उसके बाद जब आर्मी आई तो ऑलरेडी इतना सब ख़त्म हो चुके थे, कोई सर्वाइवर नहीं था उसके अंदर। वो ऑफिसर्स ने भी मुझे बताया, इसलिए मेरी वो बात और उस आदमी ने जो स्टेशन मास्टर था उसकी बात बिल्कुल मैच करती थी। उस दिन फिर मुझे पता चला कि ये सब 14 तारीख को ये सब कुछ हुआ। मशरकी पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात और भारतीय एजेंट्स की मुसलसल मदाखलत पर पाक फौज निगाह रखे हुए थी। इन्हीं बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र पाक फौज ने अपनी इजाफी नफरी को मगरबी पाकिस्तान के शहर कोयटा और खारिया से ढाका तलब कर लिया था। यहिया खान के हुक्म पर मशरकी पाकिस्तान में जनरल ऑफिसर कमांडर मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा और मेजर जनरल राव फरमान अली ने मुमकिना खाना जंगी से निमटने के लिए फौजी ऑपरेशन तैयार कर लिया था। इस फौजी ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सर्च लाइट रखा गया था। चार लोग थे वहां पर
करता धरता वेस्ट पाकिस्तानी। एक गवर्नर थे SMSN एडमिरल, उसके बाद राव फरमान अली मार्शल अफेयर्स के, उसके बाद साहबजादा याकूब खान कमांडर ईस्टर्न कमांड थे, कोर कमांडर थे वहाँ पे, और खादम हुसैन राजा मेजर जनरल यही वहाँ पे ट्रुप से ही डिवीजन था 14 डिव के कमांडर थे। चारों ने ये लिखकर भेजा कि मिलिट्री ऑपरेशन ना करना, यहाँ पर मुल्क की सालमियत को खतरा है। चार ही थे और चारों लेके भेज रहे हैं और एक एक करके हटा दिया जाता है, सिर्फ राव फरमान अली एंड तक रहा और उसकी जगह पे फिर टिक्का खान भेजा गया। And you know the people are behind me, everything is collapsed, there is no administration, the people are obeying my order, not their order. Legally, I am the authority because people have voted to me. مشرقی پاکستان کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ وہاں رہنے والے ہزاروں مغربی پاکستانیوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مغربی پاکستان کوچ کر جائیں۔ Before 25th of March, یہ initial March کا period, تو تقریباً حالات خراب ہو گئے تھے۔ Regularly یہاں جو آفیس سولجرز تھے ان کو نظر آتا تھا کہ جب بھی کوئی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یا ویسٹ پاکستانی نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملات وہ کر رہے تھے، جب وہ گاڑی میں کوئی بھاگا ہو یا ٹیکسی میں کوئی یا رکشہ میں، تو وہ نکال کے چاہے اس میں عورتیں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، تو میں نے خود دیکھا ہے عورتوں کی بالیاں کانوں سے چھینتے ہوئے، اور اینڈ دین دے ول سرچ دی ویمن، اینڈ وہ ہر طرح سے سرچ کرتے تھے، یعنی کہ تقریباً بےزتی کرتے۔ آپ یہ سوچیں کہ جس وقت ایک فیملی عورت بچے اس ہمارے پوسٹ سے گزرتی تھی تو جس نظر سے وہ عورتیں ان پاکستانی سولجرز کو دیکھتی تھی، جس میں ایک قسم کی فیلنگ ہے نا ڈیروگیشن کی، بے عزتی کی، وہ جو نظر ہے یہ ویسٹ پاکستانی جو سپاہی تھا اس کی نظریں اٹھتی نہیں تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے اس پاکستان کے جو ملینئرز کہلاتے، ان کی فیکٹریز تھیں، وہ اپنی فیملیز کو لے کے جب بھاگ رہے تھے تو پاکستان کے جہاز کا آنا اور جانا کافی کمپلیکیٹڈ تھا، اور پاکستان کے جو جہاز آ رہے تھے سولجرز کو لے کے وہی پی آئی اے کے جہاز واپس میں ان کو لے کے جاتے تھے۔ لیکن آپ سوچیں ایک جہاز کے اندر 140-150 کی جگہ ہو اور یہ لوگ ہزاروں میں ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں، اور پھر یہ حالت ہو گئی تھی کیونکہ میری روزانہ کی وزٹ ہوتی تو مجھے اپروچ کیا جاتا کہ یہ ہماری گاڑی ہے، یہ مرسیڈیز بینز کی چابی ہے، یہ لے لیں، مجھے جہاز میں بٹھا دیں۔ ایک بار پھر یحییٰ خان شیخ مجیب الرحمان سے 6 نکات پر مذاکرات کرنے ڈھاکہ پہنچے۔ about the political situation of this country, and discussion will continue because it is not a very matter of one or two minutes. You require sufficient time to discuss. چند ہی دنوں بعد 21 مارچ 1971 ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ڈھاکہ پہنچے۔ ذوالفقار علی بھٹو یوں تو ڈھاکہ پہنچ گئے تھے، لیکن ڈھاکہ پہنچنے سے چند دن پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اخبارات میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں جس کی وجہ سے مشکل ہی تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کی بات چیت کامیاب ہوتی۔
14 मार्च 1971 कराची में नश्तर पार्क के अवामी जलसे से खिताब करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का सियासी हल पेश करते हुए कहा, उधर तुम इधर हम, यानी कि मशरकी पाकिस्तान की हुकूमत तुम देख लो और मगरबी पाकिस्तान कैसे चलेगा ये हम पर छोड़ दो। इस नारे से मशरकी पाकिस्तान के अवाम और शेख मुजीबुर रहमान की कितनी दिल आजारी हुई होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान की मौजूदगी में 23 मार्च को ढाका में पाकिस्तान का कौमी परचम नजर आतिश किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और वाहिद 23 मार्च है जिसे यौम मजाहमत के तौर पर मनाया गया। स्टाफ कैप्टन थे वो भागते हुए आए, शफीक उनका नाम था मरहूम, हम छत पे गए, दाएं बाएं उसने देखा। Now I'm talking of the night 22nd, 23rd March, Pakistan Day. Every building, हर बिल्डिंग के छत के ऊपर बांग्लादेश का झंडा था, सिवाय हमारी बिल्डिंग के। इवन द हाई कोर्ट ऑफ ढाका के ऊपर झंडा लगा हुआ था बांग्लादेश का। नीचे जब हमने देखा तो मुक्ति बाहिनी वाले लेफ्ट राइट परेडिंग कर रहे हैं। कौमी परचम अपनी आंखों के सामने नजरे आतिश होता देखकर याहिया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी फैसले में आफियत जानी कि अब जल्द अज जल्द मशरकी पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान के सुपुर्द करके वापस मगरबी पाकिस्तान लौट जाएं। They have insulted Pakistan's flag and defiled the photograph of the father of the nation. The man and his party are enemies of Pakistan. मुझे एग्जैक्टली वो लफ्ज याद नहीं रहा, उसमें अगर मैंने ये सुर्खी निकाली उधर तुम इधर हम, भुट्टो साहब के मुंह के अल्फाज नहीं थे लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया था, ये आपके अल्फाज तो थे ही नहीं। वहाँ ये कोई नहीं है कि एक बंदे को निकाल के तो कहा कि तुम प्रोफेसर हो तो तुम्हें मारते हैं, इलॉजिक को। सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो बिहारियों को पड़ी है। तालाब पूरे के ऊपर खून की तह जमी, बच्चों को उठा के अंदर फेंकना कमरे में और ऊपर से ग्रेनेड फेंकना। मैंने हाईजेक किया उस वक्त 17 साल 3 महीने मेरी उम्र थी। मसला ये था कि अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि भाई दुश्मन कहाँ। ऑपरेशन सर्च लाइट शुड हैव बीन कंडक्टेड विद लेस फेरोसिटी पर्हैप्स। ये जुल्म जो है ये सर्च लाइट से शुरू नहीं हुआ, ये उससे पहले शुरू हो चुका था। रजाकार अलबदर अलशम्स उन्हें रात की तारीखों में यकीन करें पहला देते थे ताकि कोई कार्रवाई नहीं हो। How close are you to war with India? Very near it.